नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार में मुंसिफ कोर्ट और अन्य में होगी बहाली। बीते दिन बुलाए गए कैबिनेट की बैठक में बिहार कैबिनेट ने मुंसिफ कोर्ट के लिए 128 कर्मी, डोभी ओपी के लिए 32 पद के सृजन की स्वीकृति, पुल निर्माण निगम के लिए एक आईटी मैनेजर की स्वीकृति, भवन निर्माण निगम में वास्तुविद सेवा संवर्ग के लिए 44 पद का सृजन किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सीएम नीतीश की अध्यक्षता में संवाद में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट उड़ीसा के पुरी में अतिथि गृह बनाएगी। बिहार में युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए खोले जाएंगे मेगा स्किल सेंटर। बिहार विधानसभा चुनाव में ही रोजगार बिहार में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। वहीं कई राजनीतिक पार्टियों ने सरकार बनते ही रोजगार देने की बात भी कही थी। इसी क्रम में अब नीतीश सरकार भी रोजगार मुहैया करवाने की कोशिश में जुट गई है। नीतीश की कैबिनेट एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले और योजना बनाने में भी लगी हुई है। जहां मुख्यमंत्री ने अब युवाओं को रोजगार देने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाते हुए जल्द ही मेगा स्किल सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। बिहार में बड़ी संख्या में रोजगार पाने के लिए नए कौशल का प्रशिक्षण लेकर अधिक से अधिक युवा रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। सीएम ने निर्देश दिया कि कुशल युवा केंद्रों और DRCC पर भी अन्य कामों के तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाने के लिए आकलन कराएं। पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने का आदेश भी दिया गया है। बर्फीली हवा चलने से पूरा प्रदेश सिहर रहा है। गया में शीतलहर का प्रकोप जारी है, जबकि अन्य सभी जिलों में बुधवार को कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। कोल्ड डे का मुख्य कारण कोहरा और धुंध को माना जा रहा है। उत्तरी बिहार में बुधवार एवं गुरुवार को ज्यादा धुंध होने के ज्यादा आसार हैं। फिलहाल राजधानी समेत राज्य के अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। गया राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान रहा है, जहां का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रहा। बर्फीली हवा के कारण राज्य के न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई है। आज है किसान दिवस। किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको बता दें, हर साल यह दिवस देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। आपको बता दें, चौधरी चरण सिंह ने काफी काम किसानों के लिए किया था। जहां एक तरफ आज पूरा देश राष्ट्रीय किसान दिवस मना रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन ने यह ऐलान किया है कि आज हम एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे। आपको बता दें, केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ किसान पिछले 28 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ ही किसान संगठनों ने यह लोगों से अनुरोध किया है कि वो आज दोपहर का भोजन ना पकाए। बिहार में RT-PCR जांच बढ़ने से संक्रमितों की संख्या में आई गिरावट। राजधानी में हर दिन करीब 1000 RT-PCR जांच होने के बावजूद कोविड 19 संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। बीते दिन भी RT-PCR विधि से 950 समेत कुल 5710 लोगों की जांच की गई। इसमें से 165 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं ब्रिटेन में शुरू हुए नए स्ट्रेन को लेकर परेशानी बढ़ गई है। विशेषज्ञों की माने तो अगर प्रदेश में इस नए प्रकार के कोविड 19 प्रभावितों का प्रवेश नहीं होता है, तब बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की स्थिति में और ज्यादा सुधार आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी इन दिनों कोविड 19 की चपेट में है। हालांकि एम्स के डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई है। राज्यभर के जूनियर डॉक्टर पहुंचे हड़ताल पर। राज्यभर के जूनियर डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं। PMCA जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र कुमार और यूनाइटेड रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार ने इसकी जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी ICU और कोरोना के इलाज से संबंधित कार्य का भी हम बहिष्कार करेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर और इंटर्न इस हड़ताल में शामिल होंगे। बिहार में अब लोगों से गांव का नक्शा नहीं मांगेंगे अंचलाधिकारी। बिहार में रैयतों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आपको यह जानकर अब खुशी होगी कि किसी भी मौजा की मापी करने आए लोगों से उसके गांव का नक्शा नहीं मांगा जाएगा। इस नए बदलाव को लेकर नीतीश सरकार ने सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र भेज दिया है कि अब अंचल अधिकारी यानी कि CO मौजा की मापी करने आए रैयतों से गांव का नक्शा नहीं मांगेंगे। बिहार सरकार के भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जय सिंह ने राज्य के सभी जिलों के DM को पत्र लिखकर यह आदेश दिया है कि कोई भी अंचलाधिकारी अब मौजा की मापी कराने आए लोगों से उसके गांव का नक्शा नहीं मांगेंगे। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सभी राजस्व मौजों का नक्शा 2 प्रतियों में अंचल कार्यालय में रखा जाएगा। आपको बता दें कि अब तक जमीन की मापी कराने आए रैयतों से ही उसके गांव का नक्शा मांगा जाता था। अब स्कूल में होगी रोड सेफ्टी की पढ़ाई। नए शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के सरकारी स्कूल में रोड सेफ्टी की पढ़ाई होने वाली है। रोड सेफ्टी के अध्याय में छात्र छात्राओं को जेब्रा क्रॉसिंग, सिग्नल लाइट और अन्य नियमों के प्रति जागरूक करने की जानकारी दी गई है। कक्षा
कक्षा 8 से 12वीं तक छात्रों के पाठ्यक्रम में रोड सेफ्टी के अलावा पर्यावरण और नशे के दुष्परिणाम जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल होंगे। नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर शिक्षा विभाग ने पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी क्रम में विभाग ने विशेषज्ञों की मदद से उक्त महत्वपूर्ण विषयों का पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का फैसला लिया है। विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के तहत सामान्य विज्ञान की किताब में बैंकिंग एवं नॉन बैंकिंग मैनेजमेंट के अध्याय को भी जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। मतदाता सूची तैयार करने के लिए 23 प्रेक्षक हुए नियुक्त। पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्रखंडवार प्रेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी कुमार रवि ने यह नियुक्ति की है। सदर प्रखंड के लिए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मोनिका ठाकुर, फुलवारी शरीफ के लिए DCLR सदर शशि शेखर और संपतचक के लिए वरीय उपसमाहर्ता सनी सौरभ को प्रेक्षक बनाया गया है। पटना सिटी अनुमंडल के फतवा प्रखंड के लिए DCLR सिटी अखिलेश कुमार, खुसरूपुर के लिए रियाज अहमद और दनियावा के लिए श्रेया कश्यप, दानापुर अनुमंडल के बिहटा के लिए अनिल कुमार, मनेर के लिए अरुणा कुमारी, दानापुर के लिए रवि राकेश और नौबतपुर के लिए हर्ष प्रियदर्शी, बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर प्रखंड के लिए कलीमुद्दीन अहमद, अथमलगोला के लिए पूजा कुमारी, घोसवारी के लिए मोहम्मद इमरान, बाढ़ के लिए रवि रंजन गुप्ता, बेलछी के लिए प्रवीण कुमार, मोकामा के लिए प्रमोद कुमार और पंडारक के लिए निशिकांत को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। गणतंत्र दिवस पर 11 से अधिक टुकड़ियां करेंगी परेड। गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में 11 से अधिक टुकड़ियों के परेड करने की खबर सामने आई है। वहीं झांकियों और आम लोगों के समारोह में प्रवेश करने पर अभी फिलहाल संशय बरकरार है। इसके लिए राज्य सरकार के दिशा निर्देश का इंतजार हालांकि अभी किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर मंगलवार को आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने पटना के डीएम कुमार रवि, नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा, DDS ऋषि पांडे सहित अन्य वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक में तय किया गया कि COVID-19 का पालन करते हुए गांधी मैदान में राष्ट्रीय पर्व का आयोजन होगा। समारोह में शिरकत करने के लिए कोरोना के मानकों का पालन किया जाएगा, इनके लिए अलग दीर्घा बनाई जाएगी। राजद के किसान गोष्ठी को लेकर सरकार ने उठाए सवाल। किसान कानून के विरोध में राजद ने किसान गोष्ठी का आयोजन किया था। इस दौरान राजद ने जमकर सरकार पर निशाना साधा। वहीं दूसरी तरफ किसान गोष्ठी को लेकर सरकार ने भी जमकर राजद पर निशाना साधा है। इसके तहत पर जदयू ने सवाल उठाया है और कहा है कि राजद का विरोध किसानों के साथ छल है। जदयू का कहना है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है और राजद किसान आंदोलन के नाम पर सिर्फ राजनीति करने में लगी हुई है। जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने अपने एक बयान में कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर राजद की ओर से जिलों में किसान बिल का विरोध कार्यक्रम कर रही है, जो पूर्ण रूप से किसानों के नाम पर छल है। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री पहुंचे दिल्ली। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार सूबे में दो डिप्टी सीएम इस बार नियुक्त किए गए हैं। चुनाव के बाद दोनों डिप्टी सीएम पहली बार दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंच गए हैं, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका स्वागत किया है। दिल्ली पहुंचने पर भाजपा एमएलसी संजय मयूख के नेतृत्व में बिहार के नेताओं ने दिल्ली में उनका स्वागत किया। दिल्ली पहुंचने पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प है, उसे हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा करेंगे। बिहार को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी तन्मयता के साथ लगातार काम कर रही है। सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सूबे के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। नेता विक्की कौशल की बेहतरीन बॉडी वाली तस्वीर सामने। अभिनेता विक्की कौशल ने अपनी बॉडी काफी अच्छी खासी बना ली है। इसी क्रम में बीते दिन अभिनेता ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो काफी अच्छे और अलग लुक में नजर आ रहे हैं। विक्की कौशल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो तस्वीर शेयर की है, उसमें वो जिम में बैठे हुए हैं। तस्वीर के साथ विक्की कौशल ने कैप्शन में लिखा है, मैं जानता हूं कि हम जुबान पर कोई बुरी बात लाए बिना भी अच्छा कर सकते हैं। इस तस्वीर में विक्की कौशल के बाइसेप्स नजर आ रहे हैं। मसान और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फिल्म करने वाले विक्की कौशल की इस साइड पोज फोटो पर कई अन्य कलाकारों ने भी कमेंट किया है। अभिनेता राजकुमार राव ने विक्की कौशल की फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा है, रॉक सॉलिड ब्रदर। पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी ने अरुण जेटली स्टेडियम से अपना नाम हटाने की कही बात। भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर बिशन सिंह बेदी ने अरुण जेटली स्टेडियम में अपना नाम हटाने के लिए DDCA के अध्यक्ष रोहन जेटली को पत्र लिखकर सभी को चौंका दिया है। साल 2017 में ही फिरोज शाह कोटला का एक स्टैंड पूर्व स्पिनर के नाम पर रखा गया था, लेकिन उनके इस पत्र के बाद से एक बार फिर DDCA के अंदर का विवाद सामने आया है। भारत के पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी ने DDCA अध्यक्ष रोहन जेटली को लिखे अपने पत्र में कहा है कि जब फिरोज शाह कोटला
का नाम स्वर्गीय अरुण जेटली के नाम पर रखा गया तब मुझे उम्मीद थी कि यह एक अच्छे कार्य के लिए किया जा रहा है, लेकिन मैं कितना गलत था। लेकिन अब जब जेटली की 6 फीट की प्रतिमा स्थापित होने जा रही है तो मैं उसको लेकर काफी आसक्त हूँ। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, किसान दिवस के मौके पर आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।